नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने अलग अलग मामलों में चार आरोपियों को किया काबू। 2.5 किलो हेरोइन, एक पिस्तौल, एक कार और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर के गोल्डन वेन्यू में प्रवासी महिला ने मकान मालिक पर शारीरिक शोषण के लगाए आरोप। मकान मालिक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। नवयुवक मंडल की ओर से गुंबर मार्केट पुरानी रेलवे रोड जालंधर में बालाजी की चौकी का किया गया आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए लगातार ही पंजाब पुलिस की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और नाकाबंदी कर नशा तस्करी के ऊपर नकेल भी कसी जा रही है। इसी के तहत अलग अलग मामलों में अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने 2.5 किलो हेरोइन सहित चार आरोपियों को काबू किया। इनमें से पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 470 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। उक्त आरोपी की पहचान तेजवीर सिंह के रूप में हुई है, तो वहीं पुलिस ने दूसरे आरोपी को 950 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल समेत काबू किया है, जिसकी पहचान अजय सिंह उर्फ अजय के रूप में हुई है। तो वहीं तीसरे मामले में एक और आरोपी को हेरोइन, एक पिस्तौल और एक कार सहित काबू किया गया, जिसकी पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। इस अवसर पर अमृतसर पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इसके साथ ही जिला फिरोजपुर की थाना मक्खू से फरार एक व्यक्ति को भी पुलिस ने काबू किया है, जिसके चलते पुलिस ने कुल चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और भगौड़े व्यक्ति को संबंधित थाना के हवाले भी किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गत दिनों अमृतसर की एक होटल में पुलिस की ओर से रेड की गई थी और वहां पर देव व्यापार का धंधा चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने जब लड़कियों को काबू करने की कोशिश की तो तीन लड़कियों की ओर से दो विदेशी लड़कियों को छत से गिरा दिया गया, जिस कारण दोनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार हेतु अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं पुलिस ने बाकी तीन विदेशी लड़कियों सहित होटल मालिक पर भी मामला दर्ज किया है और होटल की रिसेप्शन पर काम करने वाले व्यक्ति को काबू किया है। उन्होंने कहा कि अमृतसर में किसी भी तरह का कोई नाजायज धंधा या कारोबार नहीं करने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर में से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिहड़ा थाना महू का जिहड़ा फिरोजपुर का जिहड़ा एक मुकदमा सी, जिहदे 7 किलो हीरोइन सी, प्लस उन्हें तीन बंदे जिहड़े आ कार नूं भजाउण लग्या, उहदे थल्ले आ के उहनां दी मौत हो गई सी। उह भगौड़ा सी उस मुकदमे दे विच POC जी नूं कि असीं अरैसट कीता। उन्हों का असं इलाज करा रहे हैं जी। पहली गल तो सानू उन्हों का जो ट्रीटमेंट आ उन्हों की केयर करनी, उन्हों का इलाज करवाना, असं मैडिकल अथॉरिटीज़ राही वो मजबूरी बस हो के जिमें भी जो भी हैगा उन्हों की मजबूरी का फायदा लेंगे ने साडे लोग, उन्हों का इलाज करवाया जा रहा। तो वो असं पहला तो कामनामा करते हैं वो ठीक हो। नहीं जी, हाल की घड़ी एज ऑफ ना उन्होंने किसी फैमिली मैंबर, क्योंकि फॉरनर लड़कियां डेफिनेटली जो उत्तों डिगे ने छतों का मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, मैंने ये बारे डिटेल नहीं हैगी, बट दे आर बीइंग वैल ट्रीटेड। वो इन्वेस्टिगेशन करा जी, असी सारे जेडे अमृतसर शहर के होटल ने जां कोई जिन्होंने घर कोई B&B टाइप उन्होंने शुरू किए ने, उन्होंने असी यह अपील भी करना चाहते हैं, ताड़ना करना चाहते हैं भी कोई गैर कानूनी धंधे आ जोड़े अपने होटलों के ना चला, जिदे के इमोरल एक्टिविटीज़ होंदिया जां समाज के बहुत बदनामी होंगी आ, माड़े अंसर बढ़ावा मिलता, अजे काम करन तो गुरेज कर। नहीं बेशक जो होटल का मालिक आ, कई ने अगे कॉन्ट्रैक्ट के दते होंगे ने, कॉन्ट्रैक्ट तो गांह दे के वो अपना पिछों पैसे कमाते हैं, ये जो होटल का मालिक आ उन्हों भी नाल बुक करा भावें गांह किसी ने ठेके से लिया हो वैसे काम किया हो। पिछले समय दौरान देखा होना
काफ़ी असं हुक्कावार भी फड़े ने जितों भी जो भी सानू कोई गैर कानूनी काम की इनफॉरमेशन मिलती है साड़ी पुलिस बड़ी मुस्तैदी नाल इमीडिएटली जाके जो भी इनफॉरमेशन ते एक्ट अपॉन करके जो कानूनी कार्रवाई करनी बनती असं कर रहे हैं। अमृतसर के गोल्डन वेन्यू इलाके से एक मामला महिला काउंसलिंग सेल में पहुंचा है, जिसके चलते फूला देवी नामक प्रवासी महिला ने कंतलाल यादव नामक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पहले उसे बहला फुसलाकर उसके पति से संबंध तोड़वाकर अपने घर ले आया और उसे अपने घर में रखकर बच्चे पालने का भरोसा देकर उसके साथ एक वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाई और बाद में उसकी 2 लाख रुपयों की कमेटी भी हड़प कर गया और अब जब उसका मन उससे भर गया तो वे उसे घर से बाहर निकाल रहा है, जिसके चलते उसने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस की ओर से उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो वहीं कंतलाल के मुताबिक फूला देवी उसके पास किराए पर रहती है और मकान पर कब्जा करने की नीयत से उसके ऊपर झूठे आरोप लगा रही है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस मौके पर कांग्रेसी महिला नेता नीलम शर्मा ने कहा कि फूला देवी मनगढ़ंत कहानी बना रही है, कंतलाल को ठगने की साजिश रची जा रही है। वहीं जब इस संबंध में पुलिस जांच अधिकारी महिला काउंसलिंग सेल की इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त महिला की शिकायत पर दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, फिलहाल ये मामला कमेटी की पैसों के लेन देन का है, जाँच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी वीर जी, अपना नाम दस्सो। वीर जी मेरा नाम वीरपाल सिंह बद्दन, हलका दखनी वार्ड नंबर 36 तो। की मामला सर आ भाई? वीर जी ये फुला दी भी आ लेडी से ये प्रवासी भैन आ, अही समाज सेवी नाते होंगे नाते कह रहे हैं भी इन्होंने बहुत ज्यादा धक्का हो रहा। धक्का यह भी ये ना एक अपना कंतलाल यादव के नाल, कंतलाल यादव ही है ना, कंतलाल यादव के नाल जी जाने की पहला रिलेशनशिप रह रहे थे, उन्होंने इनू झासा दिता भी अं तेरे बच्चों परिवारक वांगू रखा अपना परिवार तो ज़्यादा समझ के चलेंगे, जोड़ा कि हूँ इन्हों कोई परसनल कंडीशन करके जिन्हें करके इन्हों की नहीं बन बन बारी तो अणबन होने के कारण हूँ इनू घर तो भी बेदखल कर रहा है तो घर के भी नहीं रख लिया, ना कोई खर्चा दे रहा ना यदा कोई रोटी पानी का साधन है। और उन्होंने सर इन्होंने यानी कि सोशल वर्क किया जिद कहते रहे भी ढा, इन्होंने तकरीबन जी स्टार्टिंग इन्होंने हुई 2 लाख की कमेटी तो स्टार्टिंग हुई जितों इन्हों की पहला फ्रेंडशिप बनी उत्तर रिलेशनशिप बने ने, उस तो बाद हूँ जेडे आ भी 2 लाख देने की बजाय ना इन्हों भी तू हूँ घर भी छा हाँ तो इतने भी रहता भी तेरा कोई हक नहीं है, तू अपना परिवार लैके अपनी जिते मर्जी रह सकती है। अं प्रशासन को मांग करते हैं भी यदा कोई ना कोई प्रवासी भैन का कोई ना कोई इन्हें सुधार किया जाए, जो भी ये बनता कानूनी कार्रवाई आधार से पहल के आधार से सपोर्ट की जाए। असं अज इतने महिला कॉन्फ्रेंस सैल च आए थे, वह कहें भी असं पार्टी बुलाते हैं वो, लेकिन पार्टी आँदी है पर जो सुर जवाब कोई नहीं देंदी, वो 1,30,000 रुपया एम पी गुरजीत सिंह गोला साहब जी दफ्तर मन के भी आए हैं भी अं देवे, चलो अं जाने की अपना पंचायती तौर पर बह के राजीनामा कर लें तो 1,30,000 रुपया दे के देवे इनू तो जरा समझौता किया जाऊगा, हूँ इनू ना यदि कमेटियां पैसे दिए जा रहे ना इनू घर च रखा जा रहा ना ये बच्चों का पालन पोषण, हूँ रोटी तो भी बेचारी आवाजार हो पई है। अं समाज सेवी कलों जाने की जोड़े भी प्रवासी बंदे होंगे उन्होंने नाल चलो भी हेल्प तौर पर जिदा भी नाल खलोने तुम्हें पता ही है इंसानियत करके इन्हों के नाल अं जी इन्हों के हक च खलोते हैं। हाँ जी नीलम शर्मा, जॉइंट सैकटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मामला जी सरासर झूठा मामला है, वो जी फूला देवी है वह नजायज इल्जाम ला रही है, वो यद मकान मालिक बैठी हुई है तो राजन कपूर भी वो इनवॉल्व है, राजन कपूर के नाल रल के दरखास्त दे जाते हैं जबकि सरासर झूठियां है, कद मोगमपुरे से इनू थाने बिठाते हैं इस बेचारे की हमेशा ही दरखास्त दे के और यदि दिहाड़ियां भाते ने पे ने नजायज इल्जाम ला रहे, सिर्फ पैसे लभन डे ने होर कोई गल नहीं हैगी है, सिर्फ वो इनू हरासमेंट करके कि मैनू रखिया जबकि इनू ये उस मकान से 2 महीने हो आया है तो वह कहती है मैं साल इन्हें रखे 1 साल पहले मतलब कि मैं झाड़ू पोचे रखिया जबकि सरासर झूठा है, इसकी इंक्वायरी की जाए नहीं इदा की कोई गल नहीं है जी, क्योंकि मैनू भी किन्ने दिन हो गए इस बंदे की हेल्प करते हुए पर सरासर झूठ हैगी गल, मैं एक्चुअली पूरे महल से भी इंक्वायरी की है, यदा ना कोई लैन देन है ना। हाँ रणजीत सिंह, मैं कौंसलिंग सैल इतने टूच लगा, फूलां देवी जिहदे संबंध च आप पुछदे हो इन्हां दा कमेटियां दा लैन देना हैगा वा, इहदे विच जांच पड़ताल असीं कर रहे हैं, जो भी तबदीली इनकुआरी दवान सामने आऊगा उस हिसाब नाल अगली कार्रवाई।
अमले विच लियावांगे। एक कंतलाल है जादव, ते दोनों ही उधर ते बाहर दे रहन वाले आ। उन्हें कमरे कुमरे इत्थे बनाए आ, किराए ते भी कमरा लैके रहन दे उत्थे, ते होर भी रहिंदे उत्थे। ते उस दौरान ही इन्हां दा कोई कमेटियां दा सीगा, लख लख दी कहिंदे कमेटी पाई सी। वह कहिंदा कमेटी चुक ली है, ये कहिंदी नहीं चुकी। वह पैसों के लैण देण संबंधी इन्हां दी इनकुआरी चलदी है, चल रही है, बयान भी लै रहे हैं। नव युवक मंडल की ओर से गुंबर मार्केट पुरानी रेलवे रोड जालंधर में विशाल बालाजी की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें गायक अंकित शर्मा अंश एंड पार्टी ने अपने भजनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया, जिसके बाद गायक अभी गोयल एंड पार्टी ने भी अपने भजनों के माध्यम से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं बालाजी के संकीर्तन के दौरान श्री सालासर बालाजी, श्री मेहंदीपुर बालाजी तथा श्री खाटू श्याम जी की तीनों दिव्य अलौकिक शक्तियों के दर्शन एक साथ भक्तों ने उपस्थित होकर किए। इसके अलावा श्री बालाजी को 56 भोग, राजभोग, फलमों का प्रसाद, 101 किलो के लड्डू का भोग, पान भोग तथा महाप्रसाद का भोग लगाकर भक्तों के बीच वितरित किए गए। इस आयोजन में जिला के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित गणमान्यों ने भाग लेकर आशीर्वाद दिया। वहीं भजन संध्या में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वाइस चेयरमैन दिनेश ढल, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, आप नेता राजकुमार शर्मा, शिव मंदिर शिवनगर के चेयरमैन गुरुदत्त शिंगारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंडल के संजीव जैन, अभिषेक जैन, पंकज खन्ना, प्रदीप शर्मा, राजन शर्मा, मुनीश चावला, अमित नाहर, गौरव थापर, रजनीश गुप्ता, रवि रहीजा ने आए हुए गणमान्यों व बालाजी के भक्तों को बालाजी का सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में आने वाले भक्तों के लिए लंगर प्रसाद के रूप में सारी रात चलाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ कुश चावला। Hey!
और घर लेने पर आए बाबा चमड़ी उधेल लेता घर लेने पर दरगाह हज़रत माई साहिबा बीबी सरकार लजपाल बाबा सैलानी हज़रत रहमतुल्ला अले बाबा फरीद शकरगंज मोहल्ला रामनगर जालंधर के दो दिवसीय सालाना मेले की शुरुआत सजदा नशीन रामलुभाया की अध्यक्षता में हुई। इस मेले की शुरुआत पर दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर चिराग झंडा तथा चादर चढ़ाने की रस्म अदा की। इस दौरान उनके साथ पार्षद ज्ञानचंद सोढ़ी सुनील चट्टा बिल्लू भी विशेष रूप से शामिल रहे। इस दौरान देर रात तक प्रसिद्ध कव्वालियों ने अपनी कव्वालियों के माध्यम से खूब समा बांधा। इस मौके पर मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज ने मेले के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि धार्मिक समागमों से भाईचारा बढ़ता है और युवाओं को धर्म से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे मेले हर जगह होने चाहिए ताकि लोग धर्म के प्रति प्रेरित हो सकें। उन्होंने कहा कि इस दरबार से आज तक कोई भी सवारी खाली नहीं गया बल्कि झोलियां भरकर जाता है। इस मौके पर कुलदीप सनी विशाल राजा गौरी सहद जतिन ईशु हिमांशु अमन पवन सोनूबधन प्रिंस सुभाष सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर शिरोमणी अकाली दल के बागी गुट सुधार लहर के कन्वीनर गुरप्रताप सिंह वडाला अपने साथियों सहित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु घर में माथा टेक शरबत के भले की अरदास की और वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गुरप्रताप सिंह वडाला ने कहा कि वे शिरोमणी अकाली दल सुधार लहर चलाने जा रहे हैं जिसके चलते वे गुरु घर में माथा टेकने के लिए आए हैं और दास की है कि उन्हें सिख पंथ और सभी पंजाबियों से
श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर को सहयोग मिले। वही उन्होंने कहा कि पिछले समय से श्रोमणी अकाली दल की स्थिति बहुत ही कमजोर और चिंताजनक बनी हुई है। लोगों का श्रोमणी अकाली दल से विश्वास टूटता जा रहा है। इसी के तहत वे श्री अकाल तख्त साहिब पर अर्जी लेकर पहुंचे थे। जो भी सजा श्री अकाल तख्त साहिब उन्हें लगाएगा वे उस पर सजा को कबूल करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जो सरदार लहर के कन्वीनर बनाए गए ने वह सरदार गुरप्रताप सिंह वडाला बनाए गए और सब तो पहला श्री अकाल तख्त साहब से सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने वास्ते आए हैं और कोई भी सिख जदों कोई अहदे ते आउंदा है तो वह सब तो पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक हुंदा है और उस तो बाहर ही कोई कार्य जिहड़ा शुरू करता है। सो जी सरदार लहर चलाई गई है ये जी खामियां आ गई सी पुछ रहे सी श्रोमणी अकाली दल दे विच निगार आ गया और 10 जिहड़े कैंडीडेट सी उहनां दी जबानतां जब्त हो गई और असैंबली दे विच तकरीबन 2.5 कैंडीडेट रह गए जां 3 रह गए। सो ये जी पुरानी लीडरशिप ने गलतियां कीतियां सी और उन्हां गलतियां नूं जिहड़ा सी वार वार कहिंदे रहे भी तुसीं अकाल तख्त साहिब ते जाके माफ़ी मंगो लेकिन नहीं सी मंग रहे तुहानूं सारे इत्थों दी प्रैस नूं पता। कोई विधि विधान या कोई सिस्टम बनाउणा उह वी पंथ नूं प्रवान होवे तां कि इह जिहड़ी सारी शक्ति अपनी श्री अकाल तख्त साहिब दे थले श्री अकाल तख्त साहिब दे झंडे हेठ आ के सारा सिख पंथ सिख जगत शक्तिशाली होवे ते चढ़दी कला नाल अपना अपनियां जिम्मेवारियां निभाईए। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਡਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰ ਸਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਵਾਰਡ ਸੇ ਜੁੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਹਾਂ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਾਸਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਸਰ ਮੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਸੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਉਸੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਵਾਦ ਬੜ ਗਿਆ ਥਾ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਕਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣੇ ਪਰ ਭੜਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਸਾਥ ਲੇਕਰ ਜੋ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਉਸ ਪਰ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਕਾ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੋ ਵਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੀ। तो वहीं इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की ओर से शिकायत आई थी कि अस्पताल के बाहर दीवार तोड़ दी गई है जिसके चलते उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी जिसके चलते अस्पताल प्रशासन को सुरक्षा उपलब्ध करवाकर यहां दोबारा दीवार खड़ी कर दी गई है। अब अगर कोई तोड़फोड़ होगी तो उस पर बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
20 साल हो गए ने यह गला खुले नू यह जदों की बीबी नानकी वार्ड बनी उदों का गला खुला वा यह अज नहीं नवा गला खुला यह धक्केशाही करने जो बाहर के मेडिकल स्टोर तो जो एस एम उन्होंने को महीना लैन दिया वा जो अंदर के मेडिकल स्टोर एस एम उन्होंने को महीना लैन दिया वा इनू गड्डिया जान दया ने यह करके आ दसा मेडिकल स्टोर जोड़े ने बंद करवाए ने गरीब लोग धक्के खाण दो सालों तो इन्होंने इन दुकाना बंद करवाइया ने यह कहता कि अंदरलिया दुकाना तो मेडिकल मेडिसन लो भले की दुकान तो मेडिसन लो धक्केशाही हटा धक्के जी जबर हो बहुत धक्केशाही हटना हो रही है यह अज नहीं गेट खुला भी सालों तो गेट खुला वा बहुत जबर कर प्रशासन धक्का हो शरेआम धक्का हो प्रशासन कल एम एल ए की कोठी भी गए हैं भी कहा कि सारे गेट खुलना चाहिए वा लोगों बड़ी उन्होंने कहा कि यह दखलंदाजी मैं नहीं करूँगा इस कमरे में मैं नहीं आऊँगा तो गला जाके खिला लो इलीगल गेट पहला भी कढ़िया गया सी जिहड़ा सरकार दे हुक्मां ते ही इहदी मैं थोड़ी ब्रीफ दसदा तुहानू एक विधानसभा दी आश्वासन कमेटी आई सी उहदे च सारे उत्थे मरीजां ने कंप्लेंट कीती सी वी इत्थे दवाइयां दी दुकानां दे करिंदे मरीजां दे रिश्तेदारां नू गुमराह करके इस गेट राहीं बाहर लै जांदे ने ते उस तों बाद फिर इत्थे दवाइयां इन्हां जगह तों लैण लई फोर्स करदे ने उस कमेटी की रिपोर्ट तो बाद उस कमेटी की रिकमेंडेशन तो बाद गेट बंद कराया गया सी सरकार दे कहण ते और ये पिछले हफ्ते गेट जिहड़ा इह तोड़िया गया तो उस तो बाद चरखड़ी गेट लगाया गया जिहड़ा पुलिस प्रशासन की सहायता दे नाल ये गेट तड़वाया गया सी ते उस तो बाद फिर अज इन गेट नूं असीं बंद करवा रहे हैं जे इहनां नूं मतलब फिर खोलिया जांदा ते की कार्रवाई होएगी ये तो जो बनती कार्रवाई आ वो पुलिस डिपार्टमेंट करेगा जी क्योंकि ऑलरेडी एफ आई आर दर्ज होया हुआ ये कोर्ट केस का चल रहा कोर्ट केस फाइल होया कोई उहदे च कोई स्टे ऑर्डर नहीं होया कोई कुछ नहीं होया अजे 19 तरीक नूं साडे तो भी जवाब मंगे आ असीं 19 तरीक नूं जवाब दे देंगे कोर्ट इन्हां तुहाडे ते ब्लेम ही लाए आ भी डाक्टर साहब कहिंदे दवाइयां अंदरों लो ते बाहरों ना लो बिल्कुल बेबुनियाद ने जी इह ब्लेम अंदर दुकानां ने मरीज की मर्जी आ मरीज जिथों मर्जी दवाइया बाहर जाके लै सकदा वैसे भी 80% दवाइया जिहड़ियां ने ना अंदर मरीजां नूं मुफ्त मिल रहियां ने ਸਾਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ भारतीय किसान यूनियन कादियां की ओर से जीरा के गुरुद्वारा जारा पीर साहिब में किसानों के साथ विशेष मीटिंग कर उन्हें पौधे बांटे गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए डॉक्टर गुरचरण सिंह नूरपुर ने बताया कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे तापमान को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन कादियों की ओर से गुरुद्वारा जारा पीर साहिब में किसानों के साथ एक मीटिंग कर उन्हें पौधे बांटे गए हैं और उन्हें इन पौधों की देखभाल करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। जीरा इलाके के पिंड जरा बहुत ही पवित्र गुरद्वारा साहब गुरद्वारा बाबे के सारा पीर विखे बी के यू कादियां की एक विशेष मीटिंग की गई जिदे सैकड़े की गिनती दे किसान हाजिर हुए आ ते तुसी देख रहे हो कि किसानां नूं बूटे वंडे जा रहे आ ते असी ये जरा मौसम है जुलाई अगस्त का मौसम बूटे लाने का मौसम होंदा है पहला तो ही योजना सी जथेबंदी की कि वध तो वध किसान जड़े आ वो अपने खेतों के बूटे लाएंगे रुख लाएंगे ताकि जड़ा साडा वातावरण है वो पलीत हुंदा जा रहा दूषित हुंदा जा रहा है ते तपश जड़ी धरती दी वो हर दिन वध रही है इस करके असी ये तहिया किया कि वध तो वध किसान अपने खेतों के बूटे लाएं उस तहत अज बूटे लिया के जड़े असी फ्री मतलब बूटे जड़े किसानों को मंडे जा रहे हैं।
मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान मंदिर पुरानी दाना मंडी फेंटनगंज जलंधर में महामंडलेश्वर महंत बंसी दास महाराज की अध्यक्षता में श्री भक्तिदास संस्कृत वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ आरएसएस प्रचारक प्रमोद पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया श्री हनुमान जी आश्रम नादी चित्रकूट से महामंडलेश्वर 1008 महंत महेंद्र दास महाराज महंत बाबा राजकिशोर महंत पवन कुमार दास बद्रीनाथ दास से महंत सुरेश दास श्री हनुमान जी आश्रम नादी चित्रकूट से आचार्य वासुदेव वृंदावन से पुजारी विष्णुदास व मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान मंदिर के संचालक एवं महामंडलेश्वर महंत बंसीदास की कर कमलों से हनुमान जी की पूजा अर्चना कर किया गया, जिसके बाद श्री राम संकीर्तन भी किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर महंत बंसीदास ने बताया कि इस संस्कृत वेद विद्यालय में संस्कृत साहित्य ज्योतिष हिंदी व्याकरण वेद आदि विद्यालय से संबंधित पुस्तकों का विद्यार्थी गणों को अध्ययन करवाया जाएगा। इस स्थान का संबंध नादी हनुमान जी मंदिर चित्रकूट से संबंधित है। भीमन ने बताया कि संस्कृत वेद विद्यालय में 18 विद्यार्थी जन के आने जाने का किराया भोजन वस्त्र पुस्तकें आदि निःशुल्क रहेंगी। जो अभिभावक अपने बालकों को संस्कृत अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वे मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान मंदिर पुरानी दाना मंडी फेंटनगंज में आ सकती हैं। इस दौरान आए हुए 18 विद्यार्थी गणों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल की प्रधान पविंदर बहल सतीश अग्रवाल राजकुमार गर्ग सुनील जिंदल अमित मायर अनिल शर्मा सुभाष दत्ता राकेश वडेरा सुभाष पुरी अनिल तिवारी राजेश सोनी अनिल काला राजेश बहरी विकास बहरी राकेश वर्मा संजीव वर्मा अतुल कुमार कॉमरेड सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल थे। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और पूज्य सदगुरुदेव के आशीर्वाद से बचपन का एक मेरा संकल्प था कि जैसे हमने अध्ययन किया गुरुकुल परंपरा के हिसाब से, हनुमान जी की कभी कृपा होगी तो ऐसे गुरुकुल परंपरा हम प्रारंभ करेंगे, और ऐसा संयोग आज एकत्रित हो गया हनुमान जी की कृपा से। और साथ में हमारे साथ में है नादी हनुमान मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनसे जिस हनुमान जी से बातचीत करते थे उस गद्दी पर जो अभी बैठे हुए पूज्य महंत हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत महेंद्र दास जी महाराज, वो भी यहाँ पधारे हुए हैं और हनुमान जी की बड़ी अद्भुत कृपा है। इनके द्वारा ही इनके ही विद्यालय से 18 विद्यार्थी अभी छात्र यहाँ आए हैं जलंधर में और विद्यालय प्रारंभ हो रहा है। वहीं नादी विद्यालय के प्रधानाचार्य वो भी यहाँ पधारे हुए हैं सारे बच्चों को लेकर के, और आज के दिन ये मैं हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से आज संक्रांति भी है मंगलवार भी है और आज कल के कल से फिर दक्षिणायन सूर्य वगैरह माने जाते हैं देवताओं का शयन होता है, तो आज शुभ मुहूर्त है। आज के बाद अब दक्षिणायन में देवता अभी विश्राम करेंगे, इसलिए आज के मुहूर्त में इस विद्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं हनुमंत लाल जी महाराज से ये निवेदन करूंगा कि उनकी कृपा से आज जो ये कार्य संपन्न होने जा रहा है विद्यालय का शुभारंभ, वो आगे उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, इसी ही कामना के साथ जलंधर वासियों को और मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर के जितने भी समस्त भक्तजन हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। बाबा राजकिशोर दास जी महंत पवन दास जी महाराज और अन्य और पूज्य महापुरुष यहाँ महंत पधारे हैं उन सभी का अभिनंदन है स्वागत है। साथ में ही हमारे मीडिया वालों को भी बहुत बहुत साधुवाद, इतनी गर्मी में वो अपनी व्यवस्था संभाल रहे हैं और ये चैनल हलचल चैनल और जो शीतल जी का तो शुरू से ही सहयोग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी, उनको भी दीर्घायु करें ताकि ये व्यवस्था हमारी चलती रहे। सबके लिए मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कोड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सैकल गोपाल पांडे विनी सवरिया चंद्र कन्हैया डोली राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया।
इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदीप आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। तलवार जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई है, उनकी आत्मिक शांति हेतु
रस्म पगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री गीता मंदिर आदर्श नगर जालंधर में किया गया। इस दौरान पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गुरु पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय उन्मिला तलवार की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर वाणी विज, संयुक्त संपादक सीतेश विज, डायरेक्टर नेहा विज, संयुक्त संपादक अभिषेक विज, रुचि विज, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन की प्रधान विजय खुल्लर, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, श्री देवी तला मंदिर की महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अजय लाली, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसीम कपूर, रिक्की सहगल, संजय कोछड़, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, काकू संजीव व पारिवारिक सदस्यों में रीता भल्ला, अशोक भल्ला सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय उर्मिला तलवार को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। Like
and downs in her life, but nothing beat her. If my dad, if my dad was my roof, my birth mother was my world. And today my world is shattered. But I know my mother is, will be there with me, and she would like me to be very strong and carry on looking after my family, how she looked after hers. If I can achieve 5% of what my mother had achieved in her life, I would be grateful. She has been a very lucky person as well, as she has so many lucky people, her family and her in-laws around her. She's adored by her dad kids. Today I would like to pay a tribute to my dad as well, as where I am today, he has played a very important role. He was a great human being, a very loving father, and a caring husband. His words of motivation still echo in my ears and keep me going. Coming back to my mother, she hasn't gone anywhere. She's going to live in our hearts forever. I hope I keep on making her proud. Thanks to everyone who has been there for my mom where I couldn't be with her, as I'm 1,000 miles away from her. Our video calls used to keep us going. I especially thank to her brother, Mr. Shivalvish, my lady Masi, my chanter, Mr. Raj Dalwar, and my cousin, Ajay Dalwar, for always being there for her. Thanks a lot to all of you for coming here to pay your respects to my mother. This under our side, please have it, because that will bring me peace to my mom. Thank you. और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर पुलिस ने अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को किया काबू। 2.5 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर के गोल्डन वेन्यू में प्रवासी महिला ने मकान मालिक पर शारीरिक शोषण के लगाए आरोप। मकान मालिक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। नवयुवक मंडल की ओर से गुंबर मार्केट पुरानी रेलवे रोड जालंधर में बालाजी की चौकी का किया गया आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।